यूपी पुलिस का मिशन मुख्तार अंसारी शुरू हो गया है। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ ही तय हो गया था कि मुख्तार अंसारी को अब पंजाब जेल में गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। मऊ से बाहुबली बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लाने के लिए स्पेशल पुलिस टीमें पंजाब से रोपड़ रवाना हो गई हैं। बताते चलें कि रूपनगर जेल में मुख्तार अंसारी अभी कैद है। चित्रकूट धाम मंडल के स्पेशल पुलिस टीम को मुख्तार अंसारी को जेल तक लाने की जिम्मेदारी दी गई है। काफिले की सुरक्षा में पुलिस की 20 गाड़ियों समेत वज्र वाहन भी लगाया गया है। बताया जा रहा है प्रिजन वैन में मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने की तैयारी है। वहीं सुरक्षा के लिए एक बटालियन पीएसी और मेडिकल टीम भी मुस्तैद रहेगी। मिशन मुख्तार में कोई चूक ना हो पाए इसके लिए पुलिस ने खास तैयारियां की हैं। सीसीटीवी से जेल के मेन गेट की निगरानी हो रही है। वहीं जेल स्टाफ को भी बिना जांच पड़ताल किए एंट्री नहीं दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बांदा जेल की बाउंड्री वॉल पर हर 15 से 20 फीट की दूरी पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच पंजाब में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की ओर से इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस का पता लगाने पहुंची पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि इस बीच सीओ हैदरगढ़ नवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम रविवार को पंजाब में एम्बुलेंस और उसके चालक की पहचान में जुटी रही। टीम को लावारिस हालत में एम्बुलेंस मिल गई है, उसको जल्द ही बाराबंकी लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।